फ़ोन के अंदर सिंपल तरीके से जो आपकी स्क्रीनशॉट की सेटिंग्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। कैसे आप लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेंगे, कैसे आप स्क्रीनशॉट टेक करेंगे, कैसे आप स्क्रीनशॉट जस्टर के साथ टेक करेंगे, कैसे आप स्क्रीनशॉट बटन के साथ टेक करेंगे। ठीक है, इस तो मैं सारी चीज़ आपको बताता हूँ। तो हम सबसे पहले सेटिंग में चलते हैं, और सेटिंग में पाएंगे तो गाइस पहले यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है जो कि है कन्वीनियंस टूल्स का। इस पर हम क्लिक कर लेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन शॉट का, और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको जेस्चर एंड मोशन का। तो आप जेस्चर एंड मोशन पे क्लिक करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है स्वाइप डाउन विथ थ्री फिंगर टू टेक स्क्रीन शॉट, और एक ऑप्शन है टच एंड होल्ड विथ थ्री फिंगर्स टू टेक स्क्रीन शॉट। अगर आप कहीं टच एंड होल्ड रखते हैं थ्री फिंगर के साथ तो गाइस उतने एरिया को आपको कैप्चर करने का मौका मिलता है। जैसे कि गाइस ये वाला एरिया मेरे को कैप्चर करना है तो इसको मैं कैप्चर कर सकता हूँ, और गाइस यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इफेक्ट देखने को मिल जाते हैं। इस टाइप से गाइस आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितना एरिया आपको चाहिए। ओके, तो एक तरीका तो हो गया जी, थ्री फिंगर स्वाइप डाउन। गाइस ऐसे करोगे आप स्वाइप डाउन तो आपका स्क्रीनशॉट टेक हो जाता है। और इसके बाद गाइस यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपकी कुछ सेटिंग्स रहती हैं। स्क्रीनशॉट पर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी गाइस आपकी स्क्रीनशॉट की सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि स्वाइप डाउन थ्री फिंगर स्क्रीनशॉट, यहाँ भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। और बाकी गाइस यहाँ पे कुछ सेटिंग्स, यहाँ पे भी आपको पावर एंड वॉल्यूम डाउन बटन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट साउंड इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं अपने हिसाब से। डिलीट ओरिजिनल इमेज आफ्टर एडिटिंग, ठीक है, आप ये भी कर सकते हैं। तो चलिए गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ सिंपल तरीके से। आपको पहले तो पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन वाली सेटिंग्स आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ठीक है, तो चलिए ओके, इस तरीके से आप टेक कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस जेस्चर के साथ लॉन्ग स्क्रीनशॉट कैसे टेक करते हैं। तो आपको स्वाइप डाउन करना है थ्री फिंगर से, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रॉल का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और गाइस यहाँ पे आपका स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको जितना चाहिए वहाँ पे जाके आप डन कर दें और आपका ये क्रिएट हो जाता है। इसको आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से इसको आप सेव कर सकते हैं। तो गाइस आई होप कि आपको स्क्रीनशॉट की सेटिंग समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को लो सब्सक्राइब। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।